हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 2021 के लिए रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया, तो आपको रिजल्ट को कहां से चेक करनी होगी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यूपी बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया गया तो आपको चेक करने का तरीका आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है यूपी बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट को चेक करने का तरीका है जो आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा यूपी बीएससी नर्सिंग 2021 एग्जैक्टली ये टाइप करनी। फिर आपको लास्ट में IAS पेपर जरूर टाइप करना है। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अभी आप सर्च करते हैं इस पेज पर, ये वाले लिंक पर एग्जैक्टली क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो है, स्कोर कार्ड है, वो डिक्लेयर कर दिया गया 13 दिसंबर को ही, आज के दिन। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विद द हेल्प ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। इस फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, गेट फ्री काउंसलिंग पर आपको लास्ट में क्लिक करने होते हैं। ये इससे क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे, तो आपको यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक कर देना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे हाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, ठीक है ना। तो मुझे रिजल्ट चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर दूँगा। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, आपको दिख जाता है कि रोल नंबर बस आपको यहाँ पर टाइप करनी है। रोल नंबर, मेरा रोल नंबर क्या है, रिज़ल्ट चेक करने के लिए मुझे रोल नंबर ही टाइप करनी पड़ेगी ना। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए मुझे रोल नंबर टाइप करनी है। जब मेरा रोल नंबर टाइप करूँगा फिर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, जिस वजह से सबमिट हो जाएगा और फिर मैं आगे सारी प्रोसेस कंप्लीट कर पाऊँगा। तो आपका जो रिज़ल्ट आपको देखने के बाद आप क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे देखना देख ही सकते हैं। देखने के बाद आप सीधा कट कर दीजिए या फिर जो भी मर्जी, आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में वही आपको रिज़ल्ट काम आने वाला है, क्योंकि आपने रिज़ल्ट के लिए इतना मेहनत किया पूरी साल। ओके, तो आपको रिज़ल्ट के लिए डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए। तो स्टार्ट ऐसे आपको करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लेना। थैंक यू।